आज लेडी सिंगम का प्रीमियम है, मतलब आज इसका ट्रायल यानी जो कि पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ कि दिलीप गुलाटी जी के साथ मैं आने वाली 3 फिल्में साइन किया हूँ और कर रहा हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ कितना बेहतर और स्ट्रांग ढंग से और काम कर सकता हूँ। खैर वो तो बहुत पुराने और बहुत अच्छे डायरेक्टरों में से गिने जाते हैं, और मेरी बड़ी दिल इच्छा थी उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि काम मुझे मिला हुआ है, लेकिन उसके पहले आज एक काम मिला हुआ है ये फिल्म देखने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि ये फिल्म देखूँगा लेडी सिंगम, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि जो रानी जी हैं इस फिल्म में, लेडी सिंगम का जो किरदार निभा रही, ऐसी फिल्म से मैं डेब्यू करके आया था राउडी रानी, जिसमें रानी जी थी राउडी रानी के किरदार में, और मैं उसमें डेब्यू एज ए हीरो राजा का करेक्टर निभाया, तो वो भी फिल्म बहुत चली थी। तो बिल्कुल आई होप कि लेडी सिंगम भी बहुत चलेगी, लोगों को पसंद आएगा। जी जमने की बात नहीं की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिसके साथ काम करूँ अगर उसका काम देख लूँ तो और बेहतर मैं काम कर सकता हूँ। मुझे अपने काम को लेके हो सकता है मेरा तौर तरीका अलग हो, उनका तौर तरीका अलग हो, उसको मैच करने के लिए काम देखना पड़ता है। कई बार हम किसी डायरेक्टर के साथ नए गए होते हैं तो एक दो दिन चार दिन हिचकिच में रहते हैं शूटिंग के दरमियान, तो बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं देखना चाहता हूँ। और लेडी सिंगम लोगों को पसंद आएगी क्योंकि रानी जी काफी अरसे बाद ऐसे रोल में दिखने को आएंगी, तो लोग बहुत पसंद करेंगे। जी रानी जी को आप कैसे देखते हैं, कभी ना कभी पुलिस में आ जाते हैं, कभी मेन हीरोइन, कभी माफी से बात अच्छी लगती है, जब दिखाते हैं तो आप उसको कैसे देखा? हाँ, रानी जी को मैं बता दूं कि जैसे बताया कि पहली फिल्म ही मैं रानी जी के साथ आया राउडी रानी में एज ए डेब्यू, तो रानी जी का मैं जानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है, और मुझे पता है वो जो भी की होंगी इसमें बहुत ही तुम्बे का काम की होंगी, और ऑडियंस को देखते हुए लोग पसंद करेंगे। लेडी सिंगम को यही दूंगा कि इतना छाप बनाए, इतना छाप बनाए कि एकदम सिंगम से भी ऊपर हो जाए। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं जो है लेडी सिंगम के पूरी इंटायर टीम को जो है थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद। और इस फिल्म को जो है फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जो है दिलीप गुलाटी जी, इस प्रोड्यूसर जो है सरला जी, और फिल्म के जो है एक्टर गौरव भाई, रानी जी, शक्ति कपूर जी, सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी सुनने में आया। और अभी इसका मैं अभी ट्रायल भी देखने जा रहा हूँ, तो ट्रायल देखने के बाद भी आप लोगों को बताऊँगा क्या कि फिल्म कितनी अच्छी बनी है और फिल्म की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या विशेषता हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत खुशी फील हो रही है कि जो है जब हम किसी फिल्म का जो है मुहूर्त होता है या किसी फिल्म की जो है लॉन्चिंग होती है, तो आज जो है हम इस फिल्म के ट्रायल शो में आए हैं, तो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। नो डाउट, जब ससुरा बड़ा पैसे वाला आए थी तो उस समय हम पढ़ते थे, पढ़ाई कर रहे थे उस समय, और आज भी जो है देखिए कि आज भी रानी जी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो भी रानी जी थी, और आज मैं जो है 10 सालों से इंडस्ट्री में मैं खुद हूँ, रानी जी आज भी काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है रानी जी के लिए। और ज़रूर उनमें कुछ खासियत है, ज़रूर उनमें कुछ कला है कि आज जो है कम से कम 12-15 साल से जो है इंडस्ट्री में जो है 17 साल हो गए मुझे ऐसा लगता है, 17 साल से इंडस्ट्री में अपने पैर को जमाए हुई हैं, काम कर रही हैं। तो एक लेडी, एक हीरोइन के लिए इतना जो है लंबा समय इंडस्ट्री में जुड़े रहना, काम करते रहना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत तो मैं उनको बहुत थैंक्स करूँगा, थैंक्स अ लॉट, और कि जो है ऐसी काम करती रहे, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नो डाउट रानी जी ने जो है हमेशा जो है अच्छा काम किया है, उनका जो है बहुत जो है उनकी वुमन वांटेड फिल्में भी बहुत सारी आई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो उनका भी एक दौर भी रहा है, और आज भी देखिए भी लेडी सिंगर भी बनी है। जी जी जी
बहुत मैं, और चूंकि क्या है कि बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत क्लोजली रहती हैं, सीन को बहुत अच्छे से शेयर करती हैं, मस्ती मजाक जॉली, एक एक्टर को बहुत जॉली बहुत ऑफ फिल्म मान। हाँ अभी जो है उन्होंने लुक के, अभी उन्होंने वेट कम किया है, अपना वेट कम किया है, तो जाहिर सी बात है समय सिचुएशन के हिसाब से और कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर को अपने अपने लुक जो है, अपने वेट भी जो है इम्प्रूव और इंक्रीज करते रहना चाहिए। तो रानी जी ने अभी जो है अपना जो है वेट जो है लूज़ किया है और काफ़ी जो है मेहनत करनी है अपने लिए, अच्छी बात है, एक एक्टर को हमेशा जो है मेहनत कस होना चाहिए। अभी तो फिलहाल रानी जी के साथ कोई ऐसा प्लान नहीं चल रहा, लेकिन इंशाल्लाह लग रहा है कि कोई ना कोई हम लोग फिल्म करेंगे अभी जो है, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा कोई ऐसा फिल्म नहीं रानी जी के साथ। अभी इस मंथ में मैं जो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन आ रही है हमारी टीनेजर्स लव स्टोरी आ रही है, मार्च में आ रही है दिनेश लाल यादव जी के साथ मुकद्दर का सिकंदर आ रही है, और फरवरी में ही इसी मंथ में आ रही है मेरी फिल्म एक और जाल खेसारी जी के साथ आ रही है, और पवन जी के साथ फिल्म आ रही है हमारी। जी अभी हमारी एक फिल्म जो है अभी बलमा डेरिंगबाज बिहार और झारखंड में रिलीज हो चुकी है अभी, वो भी शायद मार्च में जो है हमारी फिल्म बलमा डेरिंगबाज भी आ रही है एज अ हीरो, तो पॉजिटिव है उसमें हीरो करेक्टर, जी हीरो करेक्टर। देखिए अच्छा लगा, देखिए हीरो तो जो चीज़ है नाम ही बड़ा है, ऐसा नहीं है, हीरो जो है बहुत बड़ा चीज़ होता है एक फिल्म का जो है, कह सकते सबसे एक पावरफुल पर्सन जिसकी जो है स्टोरी जिसकी कहानी उसी के कंधे पे उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो हीरो जो है बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो नो डाउट अच्छा लगा और मैंने कोशिश किया है अच्छा करने का। अब ये जब बिहार और झारखंड के दर्शकों ने तो इसको बहुत प्यार दिया, और भी बहुत जल्दी जो है यूपी और मुंबई में रिलीज होने वाली है, तो प्लीज़ जब ये बलमा डेरिंगबाज आप लोगों के नज़दीकी सिनेमाघरों में लगे तो प्लीज़ इस फिल्म को आप लोग प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेडी सिंघम के लिए, क्योंकि 3-4 साल के बाद मेरी एक्शन फिल्म आ रही है, चूँकि लोग मुझे एक्शन में देखना पसंद करते हैं, और 3-4 साल से मैंने कोई एक्शन फिल्म की नहीं थी, तो कह सकते हैं कि एक्शन में वापस अगेन कम बैक कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पिक्चर देखे मैम, कहीं ना कहीं हिंदी सिंघम से भारी पड़े लेडी सिंघम। ओ माई गॉड, रियली थैंक यू सो मच। वैसे उनसे तो रोहित शेट्टी की फिल्म से तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारी ऑडियंस तक हम अपनी बात रख सकें इस फिल्म के जरिए। लेडी सिंघम मीन्स लेडी पावर, सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही इन दिनों, लेडी पावर के ऊपर है, और हम हमारा जो मैसेज है आई थिंक इस फिल्म के जरिए पहुंच जाए। क्या मैसेज देना चाहती हैं मैम? देखिए मैसेज ये है कि जो आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल जो हमारे इंडिया में चल रहा है लड़कियों को लेकर, रेप हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर वो एक टॉपिक भी इस फिल्म में दिखाई देगा कि किस तरह से रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, बिंदास हो गए हैं क्योंकि कानून कुछ कर नहीं रहा है, और लेडी सिंघम होने के नाते मैं किस तरह से न्याय दिलाती हूँ इस फिल्म में नारियों को, वो देखने लायक होगा। तो दिलीप जी बहुत एक्शन फिल्म बनाते हैं, तो आप कैसा लगा? दिलीप जी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, और मुझे बहुत, मेरी उनके साथ ये तीसरी फिल्म है, इसके पहले हम लोगों ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की थी दिलीप जी और मैंने साथ में, लेकिन एक्शन फिल्म पहली बार किया, और उनका अलग तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बहुत ही एक्साइटेड कर देते हैं एक्टर को स्टोरी सुना के। आई होप कि पब्लिक भी एक्साइटेड होगी। अभी आप फिल्म देखने जा रहे हैं, आपके कलाकार भी हैं साथ में, तो कैसा रहा है? शक्ति कपूर जी बहुत सीनियर है मुझसे, और इतने एनर्जेटिक एक्टर हैं, इतने एनर्जेटिक इंसान हैं कि यू नो मुर्दा भी ना मुर्दे में भी जान डाल देंगे, वो इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर। बहुत अच्छा लगा उनके साथ, काफ़ी कुछ सीखा, और वो इतना ज़्यादा मोटिव करते थे मुझे, मोटिवेशन तो मतलब माइंड ब्लोइंग था उनका मुझको लेके, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। खेसारी जी तो बाहर भी आ गए ना अभी। हाँ मैं फॉलो कर रही हूँ अभी, मैं गई भी थी उनको सी ऑफ करने खेसारी जी को, मेरा फेवरेट आसिम है। तो
वासिम के लिए आपने वोट किया है? बिल्कुल, मैं जब भी वो नॉमिनेट होता है मैं वोट करती हूँ। रश्मि भी मेरी दोस्त है, आरती भी मेरी दोस्त है, लेकिन अगर इन तीनों में मैं देखूँ तो आसिम ज़्यादा फेवरेट है मेरा। सलमान खान साहब बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने उनके लिए गाना गाया था और उन्होंने मुझे लड्डू भी खिलाए। मैंने कहा कि नहीं ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, उन्होंने कहा डाइट वाला है खा लो। तो चुनाव होने वाले हैं मैम, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि भोजपुरी स्टार्स तो बाद में है, पहले हम देश के नागरिक हैं, तो नागरिक अपना नेता वही चुने जिन पर उनको भरोसा हो, और यहाँ पर पूरे देश का सवाल है, तो एज अ नागरिक पहले वो अपने लिए सही नेता चुने, वो चाहे भोजपुरी से हो या कोई, लेकिन बस वो अपना चुनाव सही करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ, मैं अभी तो चलो थोड़ी सी बीमार हूँ, इस वजह से मुझे लगता है मैं इससे और कम किया हुआ था, मैंने 2-3 किलो मुझे लगता है ऊपर नीचे फिर हो गए, लेकिन मैंने बहुत डेडिकेशनली मेहनत की है अपना वज़न कम करने के लिए, और मैं आगे भी कर रही हूँ। मेरा टारगेट है कि 0 साइज पे पहुँचना, और मुझे लगता है कि 3-2 महीने में शायद मैं पहुँच जाऊँगी। फिटनेस को लेके हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्टर बहुत आगे नहीं थे, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और लोग इससे मोटिवेट होते हैं, और मैं खुद भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ, इसीलिए शायद लुक चेंज लग रहा हो, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगी अभी तो बस शुरुआत हुई है। किसी फिल्म के लिए तो नहीं, कोई फिल्म के लिए बताया ना उनके लिए मैंने। भोजपुरी का एक सिंगर अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, कौन? तूफानी लाल यादव। ओके, मैं नहीं जानती। अभी वो उनका लाइव में आए थे कि वो डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, उनकी याददाश्त गायब हो गई है पिछले 15 दिन से। सॉरी, मैं नहीं जानती हूँ इनको। भोजपुरी के काफ़ी स्टार उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, क्या रानी से भी मदद करेंगे? अगर कोई अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली मैं मदद करना चाहूँ। सोशल मीडिया पे एज द अकाउंट नंबर और सब कोई साथ में पोस्ट कर रहे हैं कि मैंने इतने पैसे डाले, मैंने तो इतने पैसे निकाले। देखिए मेरा क्या है ना कि अगर मैं मदद करूँगी भी ना तो पोस्ट वोस्ट नहीं करूँगी, उनसे कहिए कि कोई हमें अप्रोच जरूर करे। डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है मेरा पैसा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल देखती हूँ मैं। I think this is going to be one of the best films of Rani ji and best film of even Bihar industry. Enhance it further, hai na? Tambe? Yes, you are right. Huh, you are right, huh? Delhi mein dekhte Manoj. लेडी सिंगर में भी मैं बोल रहा हूँ, भोजपुरी सारे स्टार हमारे दोस्त हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं, रवि एंड दिलीप जी, तो मैं बोल रहा हूँ दो ही दिलीप है मेरी जिंदगी में, एक दिलीप कुमार एक दिलीप गुलाटी। अभी आप दिलीप सर, दिलीप सर आगे भी भोजपुरी फिल्में करेंगे जब जब ये बुलाएंगे, और इसका पार्ट 2 तो बनना ही है, फिर पार्ट 3 बनना है, पर पार्ट 6 बनेगा, है ना? पार्ट 2 से पहले मेरे ख्याल से शक्ति जी की कम से कम 6 फिल्में अनाउंस होने वाली है। जिस तरह से मेरी इंक्वायरी आ रही है, मेरी एक ही कंडीशन होगी, अगर रानी होगी तो नहीं तो अभी आगे देखिए इनका काम।
जल्दी होने वाली जिहाद। और अभी मैंने एक पिक्चर कंप्लीट की है जिसे मैंने डायरेक्ट भी किया, एक्ट किया, हिंदी फिल्म है बैंडिट शकुंतला, जिसकी शूटिंग अभी कंप्लीट की मैंने। तो दो पिक्चर इस साल मेरी रिलीज होने। शकुंतला एक बैंडिट थी, बिहार का पृष्ठभूमि पे है, उनके जीवन पे है, और वो खुद वो रोल कर रही हैं, बैंडिट का रोल वो खुद कर रही हैं। और सेलिब्रिटी बिहार में शूटिंग नहीं करता, बिहार में जाकर शूट किया? मेरा वतन है, मेरा गांव है, वहाँ पे प्राइवेट विलेज है मेरा, और मेरी फिल्म सिटी है छोटी मोटी वहाँ पे, तो वहाँ मैं शूटिंग करता हूँ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और मैं चाहता हूँ कि बिहार की फिल्म बिहार में बने, वहाँ भी अगर सब्सिडी शुरू हो जाए तो और भी अच्छा है, तो जिस तरह यूपी में है वैसे बिहार में भी होनी चाहिए। क्या आपकी फिल्म में रानी चड्ढी साथ नजर आएंगी आगे? रानी तो बाजू में ही खड़ी, इंशाल्लाह करेंगे शुरू। एक फिल्म तो हमने रानी के साथ सुपर हिट दी थी रंगबाज, और नेक्स्ट अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द करेंगे। जिहाद फिल्म आपकी आने वाली है और वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, उसके कुछ है कुछ करने जाएंगे? वैलेंटाइन डे से जिहाद का कोई लेना देना ही नहीं है, वैलेंटाइन डे अलग है, जिहाद अलग है, जिहाद जिहाद है। क्या स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग मैंने लिखा है, और एक पुलिस जाबाज लेडीज पुलिस वाले की कहानी है, जैसा कि आप सब लोग देखे ही ट्रेलर में। पिक्चर आज ट्रायल रखा हुआ है, बड़ा अच्छा ट्रायल है, जैसा लिखा गया था वैसा ही शूट हुआ है। इसका म्यूजिक यश कुमार जी ने बहुत अच्छा दिया है, म्यूजिक अच्छा, एक्शन अच्छा है, कैंटेन अच्छा है, जो कैंटेन स्क्रिप्ट में बनी थी वही कैंटेन दिलीप गुलाटी जी ने शूट किया है, वैसा ही अच्छा लगा। के रूप में लगके आपने ये कहानी लिखी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह थी उनके पूरे पर्सनालिटी के बारे में एक्ट्रेस ऐसे नहीं बनती? अच्छा अच्छा लगा। अजय देवगन जी का एक आया था सिंघम, तो ए और ए लेडी सिंघम, तो वैसा ही किरदार था जाबाज बहादुर पुलिस वाले का, तो लेकिन वो महिला प्रधान था। अच्छा। तो रानी ने उस किरदार को बहुत अच्छा निभाया, रानी चटर्जी जी ने बहुत अच्छा किया है, उस करेक्टर को जिया है पूरा, शक्ति कपूर जी का करेक्टर एक दलाल का था, इस दलाल में राज बब्बर का एक करेक्टर था, तो ये भोजपुरी में वैसा ही करेक्टर था इनका, दलाल का, शक्ति कपूर का भैया जी का, तो भी करेक्टर बहुत अच्छा है और उन्होंने अच्छे से निभाया है, कहानी के साथ न्याय हुआ है। तो क्या कितना जरूरी है अच्छा कहानी लिखना, अगर फिल्म अच्छी बनानी तो अच्छा कहानी होना बहुत जरूरी है, और वो चीज हिंदी फिल्म हो या कोई भी इंडस्ट्री हो लैक कर रहा है, अच्छे राइटर मिल नहीं रहे, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर उसका बहुत सारा कारण है, हमारी भोजपुरी में टाइम नहीं है। अभी लेडी सिंघम मैंने एक महीने में लिखी है, अब हिंदी में जैसा आप लोग जानते हो लगान थ्री इडियट्स तीन तीन साल में लिखते हैं, तो सर समय और उसका जो ज़्यादा समय देकर के कहानी पे लिखा जाएगा, थ्री ड्रॉप लिखे जाते हैं, यहाँ एक ही प्लॉट ओके हो गया और लेकर के शूट पे चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर हमें भी टाइम दिया जाए 6 महीने का, तो हम भी अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं सर, क्योंकि टाइम नहीं मिलता हमें। फीस के हिसाब से भी देखा जाए तो ज़्यादा फीस तो सर अगर कमाना होता तो हम, मैं पुलिस में था, गुजरात पुलिस में, रेलवे में, हाँ तो हुआ था मेरा भर्ती, मैं छोड़ दिया, तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, हॉबी के लिए आए हैं। तो फिर भी क्या करना चाहिए, इतना योगदान होता है लेखक का किसी भी फिल्म में, पैसा तो मिलना चाहिए ना अच्छा खासा। हाँ लेकिन भोजपुरी में एक काम छोड़ता है तो दूसरा बैठा हुआ है, 25,000 वाले भी राइटर हैं, फिर भी हम लोग तो अच्छा ले लेते हैं। अभी जैसे चर्चा की थ्री डेट के बारे में, तो उसके राइटर को 3 करोड़ दिया है उसके प्रोड्यूसर ने, तो क्या कहना चाहेंगे सर? यार तो मिलना चाहिए सर, वही तो, हाँ जो आप कह रहे हैं हमारे राइटर एसोसिएशन का जो लॉ है, राइटर एसोसिएशन का संविधान है, वो 5 लाख का है कि राइटर का रीजनल फिल्म का 5 लाख होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता सर, एग्रीमेंट में जो बात होती है वो नहीं मिलती है, ऐसे विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर भी आगे क्या चाहेंगे, किस तरह की फिल्म लिखे हैं, कैसी कहानी आपके दिमाग में चल? अभी एक फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लाखों में कमर भोजे, और एक भोजपुरी एल्बम, हिंदी एल्बम करने जा रहा हूँ लहरें, अभी एक मेरी और रिलीज होने जा रही है अजय दीक्षित की लालिश, तो कहानी साफ सुथरी बने, अभी तो अच्छी कहानियाँ की जरूरत है इंडस्ट्री को, क्योंकि थिएटर बहुत जीरो हो गया है, तो अच्छी फिल्म बनेगी तो दर्शक वापस आएंगे थिएटर में, दर्शकों को वापस आना बहुत ज़रूरी है हमारा भोजपुरी को जिंदा रखने के लिए, दर्शक थिएटर से जा चुके हैं। सही कह रहे हैं, थैंक्स सर। क्या कहेंगे आज आपकी फिल्म का प्रीमियर, बहुत भीड़ है,
वो देखिए क्या है, ये जब ट्रायल का मुझे जब बताया प्रोड्यूसर साहब ने कि ट्रायल रखनी है, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, क्योंकि क्या है बड़ा प्रॉब्लम रहता है पिक्चर रिलीज से पहले ट्रायल रखना बहुत रिस्की रहता है, अक्सर लोग रखते नहीं हैं, क्योंकि आपको तारीफ भी मिल सकती है और लोगों को ना पसंद आए तो वो भी बात हो सकती है, तो बड़ा रिस्क होता है। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन ले लिया तो मैं भी प्रिपेयर्ड हो गया और कोशिश की, और लेट सी अभी लोगों को पसंद आई होगी मेरे ख्याल से। जो भी देखिए क्या, भोजपुरी सिनेमा जो है, भोजपुरी सिनेमा इस टाइम पे बहुत बड़ा सिनेमा है, और मुझे ये लगता है कि इसमें अभी आजकल जो भोजपुरी सिनेमा में सोचते हैं कि हम चैनल के लिए फिल्म बनाएंगे, तो मैं थोड़ा सा उससे हट के सोच रहा हूँ कि जब इतनी ऑडियंस है और इतने सिनेमा हॉल से जो भोजपुरी फिल्में दिखाते हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसी फिल्में बनाएँ जो लोग थिएटर में जाके उन फिल्मों को देखें। तो मेरा फोकस जो है फिलहाल टोटल मेरा फोकस सिनेमा हॉल में है, और सिनेमा हॉल को दिमाग में रख के मैंने फिल्म बनाई है। देखिए लेडी सिंघम वेरी सिंपल है कि हिंदुस्तान में अगर आप गूगल खोलेंगे तो आपको लेडी सिंघम में इतनी सारी लेडीज मिलेगी ऑल ओवर द कंट्री, इतनी अच्छी अच्छी कॉप हमारे हिंदुस्तान में हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, तो मैं उन लेडी सिंघम जो हैं जो रियल लाइफ में हैं उनसे मैंने इंस्पायर होकर ये टाइटल भी रखा, और उसी से इंस्पायर होकर मैंने हीरोइन का प्रेजेंटेशन और उसका कैरेक्टराइजेशन को दिमाग में रख के लेके चला। देखिए जब ये मेरे पास प्रोजेक्ट जब आया था तो ये भोजपुरी सिनेमा के लिए आया था, उसके बाद शक्ति जी को जब मैंने हम लोग बैठे तो शक्ति जी का कॉन्सेप्ट था कि इसको हिंदी में भी बनाया जाए, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम इसको भोजपुरी में जहाँ हमारा फोकस है वहीं पे हम फोकस करें, फोकस शिफ्ट ना हो ताकि भोजपुरी से ना इंसाफी ना हो जाए हिंदी को संभालते संभालते। देखिए ये बहुत अच्छे राइटर है जिन्होंने स्टोरी लिखा है और अपना पूरी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है, और बहुत अच्छे राइटर हैं, अच्छी सोच है, बस थोड़ा सा समय का इनके साथ प्रॉब्लम रहता है। विवेक कुमार साहब हैं तो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और अपना अच्छे गाने बनाते हैं, सिर्फ ये कि इनको इंस्पायर करने की ज़रूरत है, तो इंस्पायर करने के लिए मेरे आते रहे तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। कुमार जी गाने पर तालियां बजी अंतर जी जी, तो मैं तो बनाया हूँ, अब दर्शक लोग देखेंगे, दर्शक लोग तालियां बजाती तो अच्छी लगती है। और सर ने बहुत मेहनत करवाया सर, बहुत सर को मैं 98 से जानता हूँ, लेकिन इतना सालों के बाद मुझे काम करने का मौका मिला है तो बहुत खुशी की बात है। ऊपर से शक्ति कपूर जी मेरे गाने पर एक्ट कर रहे हैं म्यूजिक पे, तो बहुत खुशी हो रही है, और सर का बहुत बड़ी बात है। काफ़ी फिल्में हैं सर, बहुत सारे फिल्में हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। क्या है जो एक्सपीरियंस वाले आदमी होते हैं डायरेक्टर, उनके साथ काम करने में मज़ा आता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्टोरी और म्यूजिक सिचुएशन के हिसाब से बड़ा मेरा ध्यान रहता है कि स्टोरी और म्यूजिक सिचुएशन हो, क्लियर क्लियर म्यूजिक हो, आवाज़ अच्छी हो उसमें, मिक्सिंग अच्छे हो। सर आइटम तो है अभी, सर आइटम ही आने वाला है अभी, तीनों सर क्या कहेंगे? देखिए सर मैंने मेरी फिल्म में मैं आइटम तो नहीं गाऊंगा, लेकिन सिचुएशनल सॉन्ग जो एक रहता है अपना सिनेमा को स्क्रीन प्ले को आगे बढ़ाने के लिए वो हमने किया, और सॉन्ग्स को हमने एंटरटेनमेंट वैल्यू देने की कोशिश की है, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर हम सिनेमा पे फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक आ रही है वो पैसे दे के आ रही है, और अगर उसको अंदर एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है माइनस वल्गैरिटी, आइटम का मतलब ये नहीं कि वल्गैरिटी हो, माइनस वल्गैरिटी जो हमने गाने अच्छे बनाने की कोशिश की है, और इसमें ऐसा कोई आइटम गर्ल का कोई गाना ऐसा कोई गाना है नहीं, स्क्रीन प्ले के हिसाब से कहानी चलती है। स्क्रीन प्ले की बात करें आप तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर के साथ? दिलीप जी के साथ काम करने का बहुत मजा आया, साथ में सीखने को मिला, स्क्रीन प्ले हम लोग कई ड्रॉप बैठे हैं। दिलीप जी तो कैप्टन है, हम लोग तो उस नाव में सवार थे, कैप्टन तो ये थे, और अच्छा सिनेमा बनाया, कैंटन को छोड़ा नहीं दिलीप जी ने, जैसा हम लोगों ने वर्क किया था वैसा ही शूट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, सारी सुविधाएं सेट पे नहीं मिलती, ऑन सेट डायरेक्टर को कुछ क्रिएट करना पड़ता है, पेपर पे बातें करना उधर ऑन सेट उस बात को विजुअल उतारना बहुत तकलीफ होता है, लेकिन दिलीप जी ने किया वैसा। इसमें आप दिख रहे हैं कि नहीं इसके एज एन एक्टर यू मीन टू से? नहीं अभी फिलहाल नहीं, पूरा फोकस मेरा डायरेक्शन में रहा है, लेकिन मैं डेफिनेटली एज एन एक्टर हिंदी में तो आ चुके हैं, एज एन एक्टर भी मैं आपको भोजपुरी सिनेमा में दिखूंगा बहुत जल्द। थैंक यू सर, थैंक यू।